जनपद रायबरेली में भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों में उस संस्कृति का ज्ञान बढ़ाने के लिए भारत विकास परिषद की तरफ से संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया, जिसका विषय रखा गया था कि भारत को जानो। इस प्रतियोगिताओं में टीम बनी थी, उसका नाम देश में बहने वाली नदियों के नाम पर रखा गया था। धार्मिक प्रश्नों के साथ साथ भौगोलिक और सामाजिक प्रश्नों को भी रखा गया था। आज का मुख्य अतिथि के रूप में SDM सदर शशांक त्रिपाठी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व में सबसे पहले भारत विकास परिषद की तारीफ की, क्योंकि बच्चों में संस्कृति के ज्ञान के लिए जो काम परिषद कर रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। जिन छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है उनको मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिताओं में डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, इंजीनियर राकेश मिश्रा, इंजीनियर राजीव वर्मा, राजा राम मौर, नवल वाजपेयी, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद दुबे, डॉक्टर नरेश चंद्र, आईसी जैन, निर्मल श्रीवास्तव, शिव कुमार गुप्ता, अरविंद श्रीवास्तव, रमा शंकर, बीके अग्निहोत्री सहित तमाम वरिष्ठ साहित्यकार वर्ग के लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर राजेंद्र बहादुर श्रीवास्तव, जिनके लिए मैं कहता हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ, जो अंगारों में रहते हैं, विकास परिषद का कई शाखा के सदस्य हैं। वर्तमान में हमारा दायित्व है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस हाल में भारत को जानो कार्यक्रम कराने के लिए। और भारत का जानो कार्यक्रम जो है 2001 में प्रारंभ हुआ था और तब से निरंतर अभी चल रहा है। और इसमें दो प्रकार की टीम होती है, एक जूनियर टीम और एक सीनियर टीम। जूनियर टीम होती है कक्षा 6 से 8 तक और सीनियर टीम होती है कक्षा 9 से 12 तक। भारत में रह के भारत को जानने का जो क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सामान्य ज्ञान के बारे में हम सब जानते हैं। आजकल पूरे देश में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें सामान्य ज्ञान का अपना महत्व है। सामान्य ज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं तो पूरे विश्व के सामान्य ज्ञान की हम बात करते हैं और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन भारत जानो कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि हमारा भारत विविधताओं का देश, विभिन्न प्रकार के मौसम, विभिन्न प्रकार की भाषाएँ, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के पंथ और इतना ज़्यादा यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियाँ उपलब्ध हैं जिनके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए भारत विकास परिषद के केंद्रीय लीडरशिप ने ये सोचा कि सबसे पहले हमारे यहाँ के बच्चों को राष्ट्र प्रेम से जो ओतप्रोत होते हैं उनको ओतप्रोत करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले वो भारत में जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति चल रही है, भाषाएं चल रही हैं, यहाँ के वैज्ञानिक हैं, यहाँ के खिलाड़ी हैं, यहाँ के विद्वान हैं, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। रायबरेली से UP24 न्यूज़ के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।